नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में वाराणसी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फोर लेन आउटर रिंग रोड के अंतर्गत निर्माणाधीन गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन केबल ब्रिज की जानकारी एवं निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दिखाएंगे। साथ ही आपको राजघाट स्थित मालवीय पुल के पास बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज की भी जानकारी मिलने वाली है। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सर्वप्रथम हम आपको सैटेलाइट व्यू की सहायता से इस रिंग रोड से परिचित कराते हुए बता दें कि वाराणसी के राजा तालाब से लेकर चंदौली के पचफेड़वा तक के भाग में लगभग 60 किलोमीटर के वर्तमान में हाफ अर्थात रिंग रोड का आधा भाग सम्मिलित है, जिसमें कि इस रिंग रोड का प्रथम चरण अर्थात फेज वन का उद्घाटन नवंबर 2018 में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि हरहुआ से लेकर संधा तक लगभग 16 किलोमीटर है। इसके पश्चात अब आपको इस रिंग रोड फेज टू की जानकारी देते हुए बता दें कि इस द्वितीय चरण की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है, जिसे कि पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि पैकेज वन एवं पैकेज दो है, जो कि वाराणसी व चंदौली के 53 गांवों से होकर गुजर रही है। बता दें कि वाराणसी की आउटर रिंग रोड फेज टू की लागत 1355 करोड़ रुपए है, जिसमें कि सड़क के साथ गंगा व वरुणा नदी पर एक एक पुल के साथ 4 फ्लाईओवर, 3 आरओबी तथा 19 अंडरपास भी बन रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इस रिंग रोड फेज टू के पैकेज वन की संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट दिए थे और आज हम आपको दूसरे फेज के पैकेज टू की जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि पैकेज 2 वाराणसी के NH 29 से चंदौली के NH 2 के मध्य में बन रहा है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण 2 किलोमीटर लंबा गंगा नदी पर बन रहा केबल ब्रिज भी सम्मिलित है। बता दें कि वाराणसी के आउटर रिंग रोड के फेज 2 के पैकेज 2 में निर्माणाधीन यह पुल देश का तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, जो कि गंगा नदी पर बन रहा है। इस पुल की कुल लंबाई 2 किलोमीटर है, जो कि नर्मदा व यमुना नदी के पश्चात गंगा नदी पर होगा। बता दें कि इस पुल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है गेमन इंडिया एवं इसकी नोडल एजेंसी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI, जिसने की पुल के निर्माण कार्य का दायित्व गेमन इंडिया को सौंपा है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण पूर्ण करने की निर्धारित अवधि है 3 वर्ष, जिसमें कि इस ब्रिज को तैयार हो जाना है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस प्रकार का केबल स्टेड ब्रिज गुजरात के भरूच स्थित नर्मदा नदी पर एवं यूपी के प्रयागराज में नैनी स्थित यमुना नदी पर बनकर तैयार हुआ है एवं उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का यह दूसरा पुल होगा बनारस में। वहीं यदि इस निर्माणाधीन पुल की लागत की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस 2 किलोमीटर लंबे 6 लेन में बनने वाले ब्रिज की लागत लगभग 450 करोड़ रुपए है। चौबेपुर के बरियासनपुर से चंदौली तक बनने वाले 27 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड के द्वितीय फेज के पैकेज 2 से यह केबल स्टेट ब्रिज को जोड़ा जाएगा, जो आगे चलकर चंदौली में प्रयागराज से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात NH 2 या फिर कहें तो NH 19 से लिंक हो जाएगा। एक अनुमान है कि इस पुल के बन जाने के पश्चात औसतन प्रतिदिन 18,000 वाहनों का आवागमन इस पुल से सुलभ हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी में जहाज अर्थात क्रूज गुजारने के लिए 2 पिलर के बीच 100 मीटर की दूरी भी रखी जाएगी, क्योंकि वाराणसी से हल्दिया के मध्य वाटरवेज अर्थात जल मार्ग भी संचालित है, जिसको कि आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज तक ले जाना है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी के ही रामनगर में बंदरगाह का निर्माण भी हो चुका है। इसी कारण से ब्रिज की डिजाइन इस प्रकार से बनाई गई है कि नीचे से जहाज को भी आराम से गुजारा जा सके और इसीलिए 2 पिलर के बीच की दूरी 100 मीटर रखी गई है। बता दें कि ब्रिज में निर्माणाधीन टावर को वी शेप में बनाया जा रहा है एवं बन जाने के पश्चात इस पुल में LED लाइटें भी लगाई जाएंगी, ताकि रात के समय पुल से गुजरते समय विहंगम दृश्य भी दिख सके। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि रिंग रोड की चौड़ाई है 4 लेन, परंतु गंगा नदी पर बन रहे इस निर्माणाधीन पुल को भविष्य की आवश्यकता अनुसार 6 लेन का बनाया जा रहा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां पर यह पुल का आरंभ हो रहा है वहां पर नदी 2 भागों में विभाजित है एवं हम आपको गंगा नदी के मुख्य धारा तक के दृश्य दिखा रहे हैं,
कि किस प्रकार से निर्माण कार्य के लिए मिट्टी को पाटा गया है एवं यहीं से अभी इस पुल का मुख्य भाग आगे नदी को पार करके चंदौली की ओर निकल जाएगा, परंतु अभी के वर्तमान परिस्थिति के आंकलन अनुसार वर्ष से अधिक समय लगना प्रतीत हो रहा है एवं इसके अतिरिक्त किस प्रकार से इस पुल के स्पैन्स अथवा पिलर का निर्माण हो रहा है एवं उसमें लगने वाले लोहे की सरिया व कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं वह आपके समक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स को सूखने के लिए छोड़ रखा गया है एवं नए स्ट्रक्चर के लिए भी स्थान पर मार्किंग किया गया है। वहीं दूसरी ओर काशी वासियों के लिए बनारस में मालवी पुल के पास सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया जाएगा। यह हावड़ा ब्रिज की तर्ज पर होगा। इसके DPR का दायित्व भी NHAI को ही दिया गया है। NHAI के DPR पर रेलवे काम कराएगा। पूर्व में मालवी पुल के समानांतर बनने वाले रेल ब्रिज में बदलाव कर इसे सिग्नेचर ब्रिज का रूप दिया गया है। इसके लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है। वर्ष 2017-18 के आम बजट में मालवी पुल के समानांतर रेल ब्रिज बनाते हुए वाराणसी से मुगल सराय के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 1 करोड़ रुपए DPR बनाने के लिए जारी किया भी जा चुका है। रेलवे के लखनऊ मंडल के इंजीनियरिंग विभाग ने DPR तैयार कर बोर्ड को भेज दिया था, परंतु इसी बीच काशी स्टेशन पर इंटर मॉडल स्टेशन का प्लान आया, जिसे NHAI ही विकसित करेगा। इंटर मॉडल स्टेशन के प्लान के कारण रेल ब्रिज में बदलाव का निर्णय लिया गया है और अब इंटर मॉडल स्टेशन से लगते हुए सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। इस सिग्नेचर ब्रिज पर ट्रेन के अतिरिक्त सड़क यातायात भी होगा। काशी स्टेशन के खाली पड़े 30 एकड़ भूमि पर ट्रांसपोर्ट हब के रूप में इंटर मॉडल स्टेशन विकसित होना है, जो कि पर्यटन का केंद्र भी होगा, जिसका मिनी टर्मिनल के रूप में वाराणसी का खिड़किया घाट पर निर्माण कार्य तीव्र गति के साथ चल रहा है, जो कि इसी वर्ष अर्थात जुलाई 2021 तक जनता को समर्पित भी हो जाएगा। इस खिड़किया घाट पर हो रहे विकास कार्य की संपूर्ण जानकारी हमारे पिछले वीडियो में दी गई है। बता दें कि राजघाट स्थित वाराणसी मुगल सराय के मध्य एकमात्र रेल लाइन तथा महत्वपूर्ण सड़क मार्ग इस मालवी पुल का निर्माण कार्य ब्रिटिश काल में वर्ष 1887 में हुआ था। उस समय भी पूरे एशिया में यह अपने तरह का पहला पुल था। उस समय इसका नाम डफरीन ब्रिज था, जिसे आजादी के बाद नाम परिवर्तन करके मालवी सेतु किया गया था। बनारस के लोग इसे राजघाट पुल के नाम से ही पुकारते हैं। महत्वपूर्ण है कि 3 जिलों के मध्य में बनने वाला वाराणसी का यह आउटर रिंग रोड पूर्वांचल के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ता है, जो कि इस रिंग रोड के महत्व एवं औचित्य को भी परिभाषित करता है, जिसको कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूर्ण किया जा रहा है। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा हमें यह बताएं कि क्या आप इस पुल पर यात्रा करने के उत्सुक हैं। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।